अस्सलामुअलैकुम। आज हम वो डिश बनाने जा रहे हैं जिसे हम वीकेंड पर बाहर जाकर खाते हैं, होली दिवाली चाट स्पेशल, प्याज की खस्ता कचौड़ी। तो आइए चलिए बनाते हैं। ये मैंने ले लिया 500 ग्राम मैदा, इसे मैंने छान लिया है। इसमें मैं डालूंगी अजवाइन, इसे हाथों की मदद से क्रश कर लीजिए। अब इसे डाल दीजिए इसमें, ये देखिए मैंने डाल दिया। अभी 3 बड़े चम्मच तेल ले लीजिए, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। अब ये नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छे से हाथों की मदद से रब करिए। तीनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाइए हाथों की मदद से। अब ये हाथों पे एक मुट्ठी को बनाइए आटे की, ये देखिए इस तरीके से बन रही है, तो मतलब तेल का रेशो आपका सही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। मैं पानी डाल रही हूँ और इसका हमें डो तैयार करना है। ये देखिए आटा मेरा भुन गया है, मैंने इसे खूब अच्छी तरीके से ये तरीके से पटके खूब गूंधे, ये सॉफ्ट सा डो मैंने तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी तेल आटे के ऊपर, ये देखिए ये तेल लगाकर आपको इसे ढक कर रख देना है साइड में। अब हम फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। ये है धनिया 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, इसे हम पैन में डालकर थोड़ा सा सेक लेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इसे तवे पर ऐसे भून लीजिए। अब ज़्यादा जलाना ही नहीं है, बल हल्की हल्की स्मेल आने लगे बस फौरन इसे ठंडा करके आप बना लीजिए पाउडर। इधर मैंने पैन में तेल डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा है, और ग्रेट की हुई अदरक मैं डालूंगी 1/2 चम्मच, और इसे डालें और थोड़ा सा चलाएं। अब हम इसमें डालेंगे हींग, 1 चुटकी हींग वो डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अब हम डाल दें इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल ली, आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो मिर्चें बढ़ा सकते हैं। ये 3 बड़े साइज़ के प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया था, इसे डालिए और इसे डालकर चलाएं। आंच को हम धीमी कर लें। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें वो पाउडर डाल देंगे जिसे हमने पीसा था, और इसे डालकर अच्छी तरीके से चलाएं। इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, आप बनाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा। इसे डालकर अब हम इसे डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड कश्मीरी मिर्च है ये, इसे डाल दीजिए। नमक भी आप इसी स्टेज पर डाल दीजिए। नमक डालने से इसमें ये प्याज हमारी पानी छोड़ेगी। ये बेसन है मेरे पास 2 चम्मच, इसे डालिए इसमें और बेसन को अच्छी तरीके से इन मसालों के साथ भूनिए। इसमें से खूब अच्छी सी स्मेल आने लगे, इस तरीके से भूने इसे। आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बेसन हमारा भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये आलू है 4 बड़े साइज़ के, इसे डालिए, अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, इसे डालकर चला लीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। फिलिंग को अच्छी तरीके से ठंडा कर लें और इसमें हरा धनिया काट कर डाल दें।
आलू के हमें छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं ऐसे हाथों की मदद से, और बॉल बना बना कर आप रख लीजिए। जिस तरीके से छोटी छोटी पूड़ी होती है उसी साइज़ के बॉल बनाइए। दूसरी तरफ मैं आटे के पेड़े बना रही हूँ स्टफिंग से। ये पेड़े थोड़े बड़े होने चाहिए। आप देखिए मैं किस तरीके से तेल लगाकर इसकी एक कटोरी नुमा बना रही हूँ। इस तरीके से हल्के हाथों से आप इसे बनाइए कटोरी की तरह। अब इसमें हम अपनी स्टफिंग डालेंगे इस तरीके से, और उंगलियों की मदद से इसे चारों तरफ से इसे सील कर दें। आटा हमारा मुलायम है इसलिए हमारा देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। ये इस तरीके से मोदक की तरह आप बंद कर लें। ये इस तरीके से ऐसे ऊपर का एक्स्ट्रा निकाल दे पार्ट। इसको अच्छी तरीके से इसे सील करना है ताकि ये तेल में जाके खुले ना, और इसे हाथों की मदद से इसे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा बन गया ऐसे। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तेल हमने गर्म होने रख दिया था। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। हमें इसे बिल्कुल स्लो आँच पर फ्राई करना है। सारे इसमें डाल लेंगे हम अपने, और जब तक एक तरफ कलर ना आ जाए चम्मच बिल्कुल ना चले। ये देखिए अलट्टे पलट्टे हुए ये हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। बिल्कुल धीमी आंच पर करेंगे तो क्रिस्पी बनेंगी ये। ये देखिए हमारी प्याज की कचौड़ी तैयार हो चुकी है। इसे आप बनाइए बहुत ज़बरदस्त और खस्ता करारी बनती है ये। इसे सॉस और चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को। और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ इसे असेंबल करने का। देखा गाइस कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी दिख रही है ये। इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।